मुसलमान भाइयों डरना मत, गलती ना होने पर कोई करे परेशान तो घबराना मत, DM SSP करे परेशान तो योगी से सीधा करे बात, धर्म नहीं 2024 में विकास के नाम पर योगी मांगेंगे वोट। माजरा है क्या, आगे आप सब समझ जाएंगे, बस रिपोर्ट पर ध्यान दीजिए और इतना जान लीजिए कि मुसलमानों ने किसको वोट किया किसको नहीं अब ये मसला नहीं रहा। खबर तो ये है कि योगी सरकार उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करने वाली है, क्योंकि योगी ने साफ इशारा दे दिया है कि यूपी में अब वो सब नहीं होगा जो पहले होता आया है। ये तो खैर जग जाहिर है कि योगी संत हैं, वो ईद नहीं मनाते, लेकिन इनकी सरकार में कोई मुसलमानों को बकरा ईद मनाने से रोकता भी नहीं है, क्योंकि लगभग 15 दिन के काम से योगी ने ये साफ कर दिया कि वो मुसलमानों की भलाई चाहते हैं। रिपोर्ट में आगे बकायदा हम प्रमाण के साथ सबूत भी देंगे आपको, मगर एक बात समझ लीजिए कि रमजान में इफ्तार करते समय लाइट काटने की सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही थी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब योगी के कहने पर हो रहा है तो आप पूरी तरह से गलत हैं। ये सब वो लोग करते हैं जो आपके और सरकार के बीच खाई पैदा करने का काम करते हैं। अगर आपको लगता है ये सच नहीं है तो आगे रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है लियाकत अली की। लियाकत अली चुनाव में ओवैसी के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन जब रमजान के महीने में पुलिस ने गलत तरीके से उठा लिया तो योगी की यूपी पुलिस ने इनकी तुरंत मदद की, और वो भी एक ट्वीट पर। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। इस ट्वीट पर तुरंत एक्शन हो गया। यूपी पुलिस की लखनऊ टीम ने तुरंत आजमगढ़ पुलिस से संपर्क किया और कार्रवाई का भरोसा दिया। लियाकत अली तो बच गए, लेकिन सवाल ये कि आप कैसे बचेंगे, कैसे बच सकते हैं आप, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भी देख लीजिए, आपका भरोसा और बढ़ेगा, आपको देखने और सुनने में अच्छा भी लगेगा। ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं। किसी मुस्लिम ने पुलिस से शिकायत नहीं की, कुछ लोग मस्जिद पर जा चढ़े। दरअसल यूपी पुलिस को सूचना मिली, वो भी डायल 112 पर, और इस माध्यम से जैसे ही सूचना मिली, आपको विश्वास नहीं होगा कि पुलिस ने इस शिकायत पर कैसे कार्रवाई की। तो आप सोचिए जरा, आपकी परेशानी पर आपकी मदद कैसे नहीं होगी, बस आपको कुछ करने की बजाय सरकार को कोसना बंद करना होगा। तो चलिए अब मान भी लीजिए कि रमजान के महीने में जानबूझकर लाइट काट ली जाती हो, तो आप 10 से 20 की संख्या में मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ CMO यानी मुख्यमंत्री कार्यालय को सीधा शिकायत कर सकते हैं, ट्विटर पर टैग कर सकते हैं। ट्विटर पर टैग करते ही आपको मदद मिलने की पूरी संभावना होगी, तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। योगी का कोई मकसद नहीं कि वो किसी मुसलमान को परेशान करे, लेकिन ये जरूर है कि योगी के राज में कुछ लोग गलत फहमी में थे कि कुछ भी करेंगे तो बख्श दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। CM योगी ने जिस दिन शपथ ली, उस दिन याद होगा आपको जुम्मे की नमाज पढ़ी जा रही थी। योगी ने दोबारा CM बनते ही बाबर की माँ से सीधा बात की और उनको अपना दूसरा बेटा बताया। आपको बता दें कि बाबर BJP का कार्यकर्ता था जिसकी हत्या कुछ मुसलमानों ने कर दी थी। यानी साफ है कि अगर कोई भी अधिकारी नंबर बढ़ाने के लिए किसी मुस्लिम को परेशान करता है और फिर वो गलती से पकड़ा जाता है तो उसकी भी खैर नहीं होगी। योगी के दूसरे कार्यकाल में मुसलमानों का भरोसा योगी पर बड़ा है। जहाँ एक तरफ तमाम पार्टियों या दल के नेता मुख्तार अंसारी आजम खान को संरक्षण दे रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दानिश अंसारी को योगी सरकार में मंत्री बनाया जा रहा था। संकेत साफ है कि योगी मुसलमानों के साथ हैं, उनके खिलाफ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।